केदार की अधिसूचना के बाद भी फोर लेन प्रभावितों को ना तो अभी तक फोर गुना मुआवजा मिल पाया है और न ही विस्थापित हुए लोगों के लिए कोई नीति तैयार की गई है। बार बार मिल रहे कोरे आश्वासनों के बाद अब फोर लेन प्रभावितों ने भी महारैली करने का मन बना लिया है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर के मैदान में 28 फरवरी को यह महारैली आयोजित की जाएगी। जिला मुख्यालय ढालपुर के जिला परिषद भवन के सभागार में जिला फोर लेन संघर्ष समिति की एक बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष दिनेश सेन ने की। इस बैठक में फोर लेन निर्माण कार्य में प्रभावित हुए लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। बैठक में प्रदेश सरकार के प्रति भी फोर लेन प्रभावितों ने अपना रोष प्रकट किया और निर्णय लिया कि 28 फरवरी को ढालपुर मैदान में सभी प्रभावितों के द्वारा महारैली का आयोजन किया जाएगा और डीसी कुल्लू के कार्यालय के बाहर भी प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। जिला फोर लेन संघर्ष समिति के अध्यक्ष दिनेश सेन ने बताया कि केंद्र सरकार की अधिसूचना के बाद भी आज तक फोर लेन से प्रभावित हुए लोग मुआवजे के लिए दर दर भटक रहे हैं। भाजपा सरकार ने भी अपने घोषणा पत्र में यह बात लिखकर फोर लेन प्रभावितों के साथ अन्याय किया है। दिनेश सेन ने बताया, भारत सरकार ने 2013 में एक एक्ट लाए हैं जिसमें उसका सीधा उद्देश्य है कि इस तरह के प्रभावित और विस्थापित परिवारों को, व्यक्तियों को अच्छा कॉम्पनसेशन दिया जाए, किसी प्रकार से उनको इससे होने वाले नुकसान से उनका जीवन स्तर ऊपर उठाया जाए और उसमें सभी जनता की भागीदारी हो, तभी वो प्रोजेक्ट हो। कहना मतलब प्रोजेक्ट लगने से पहले लोगों को पूछ करके उसका काम आगे बढ़ाना चाहिए। लेकिन ये जो हमारी जो मनाली के लिए सड़क जा रही है कीर्तपुर से मनाली, इसमें कहीं भी लोगों की भागीदारी नहीं ली गई, बल्कि कई जगह लोगों ने ऑब्जेक्शन दिए थे, उस वक्त उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। और समय के साथ साथ मजबूरन जो है लोगों को खड़े होना पड़ा, आंदोलनरत होना पड़ा। लेकिन अभी 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के भी और कांग्रेस पार्टी के भी घोषणा पत्र में लोगों से लिखित वायदा करने के बावजूद भी इसके समाधान हेतु उसके ऊपर कोई अमल नहीं किया गया, ना ही तो सत्ता पक्ष ने ना ही विपक्ष ने इसके बारे में कोई आवाज़ उठाई। इसलिए जिला कुल्लू के सभी प्रभावित विस्थापित पुनः खड़े हुए हैं कि क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर अन्याय हुआ तो पूरा कुल्लू जिला से हुआ, चाहे उसको कंपनसेशन को लेकर करो, चाहे लोगों की ज़मीनों का नुकसान हो रहा है, जो डंपिंग हो रही है उसके कारण भी लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। तो ये सारी बातों के लिए पूरा कुल्लू जिला एक बार फिर से नाम बंद हुआ है। उसी बात को लेकर अभी 28 फरवरी को ढालपुर के मैदान में एक ऐतिहासिक रोष प्रदर्शन किया जाएगा और उसकी तैयारी को लेकर आज जिला परिषद कुल्लू के सभागार में यहाँ पदाधिकारियों की बैठक रखी गई थी।